शांति। 11 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ? उत्तर, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 क्लास संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे भी यह जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। ऐसी नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। अब वह स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड था नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। भारत खंड भी है परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, वह प्राय लोप हो गया है। अब फिर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। यह तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था और सब धर्म अभी आए हैं। कितना दुख अशांति मारा मारी है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोप वासी यादव भी हैं, 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मूसल इन्वेंशन की थी। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परम पिता परमात्मा मददगार था। सभी को यही कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म विनाश होंगे। अभी भी बाप समझाते हैं, तुम ही भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था, दूसरे कोई खंड नहीं थे। अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया है और तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है।
अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। संगम पर ही होगा, अभी तुम हो संगम पर। आदि सनातन देवी देवता धर्म का अभी सैपलिंग लग रहा है। पतित मनुष्यों को बाप पावन बना रहे हैं, वह फिर देवता बनेंगे। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले पहले देवी देवताओं का पार्ट था, वही पहले बिछुड़े हैं, फिर उन्हों का ही पार्ट होना चाहिए ना। सत्युग में है ही सर्वगुण संपन्न, अभी है विशेष वर्ल्ड, रात दिन का फर्क है। अभी विशेष वर्ल्ड को वॉइसलेस वर्ल्ड कौन बनाए? पुकारते भी हैं, हे पावन बनाने वाले आओ। अभी वह आया है, बाप कहते हैं हम तुमको वॉइसलेस बना रहे हैं। इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। अब वह कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मत है ना। अनेक इतने मत मतांतरों के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे? बाप समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे, वही फिर 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं। फिर बाप आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से देवता बना रहे हैं। तुम किसको भी समझा सकते हो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो, चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज्य होने कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई है। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे, अभी तो कितने आसुरी बन पड़े हैं। और धर्म भी ऐड हो, झाड़ बड़ा हो गया है। बाप समझाते हैं झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है। अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते भी हैं एक धर्म में एक मत हो। यह भारतवासी भूल गए हैं कि सत्युग में एक ही धर्म था, यहाँ तो अनेक धर्म हैं। अब बाप आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जरूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे, यह किसको पता नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं तो उनको भी समझाना चाहिए तुम किसका उद्घाटन करते हो। बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नर्कवासी सब विनाश हो जाएंगे। विनाश के पहले जिनको बाप से वर्षा लेना है तो आकर समझें। यह बीके का जो आश्रम है, यह है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाएं। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है, तब ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर तुम 16 क्लास संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सत्युग में 16 क्लास संपूर्ण था, अभी तो कोई कला नहीं रही है, सब कंगाल बन पड़े हैं। कोई ओपनिंग करने आते हैं, बोलो यहाँ का कायदा है, बाप कहते हैं दे 5 विकारों का दान तो छूटे ग्रहण। तुम 16 क्लास संपूर्ण देवता बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। विकारों का दान देना तो अच्छा है ना। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे,
अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं, गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते रहते, पुराने कपड़े आदि भी लेते रहते। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते, उन्होंने नया दिया जाता है। तो बाप तुमको समझाते हैं, भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एज्ड हो गया है, 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दे, यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया है, अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है, तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों का दान दो, अपने दिल से पूछो हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। नारद का मिसाल है ना, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे। कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो। सोना जब गलाते हैं, गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं है, इसलिए पूरी आग में गलाते हैं। फिर जब देखते हैं कीचड़ा अलग हो गया है तब कार्ब में डालते हैं। बाप अब खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो, पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। देही अभिमानी बनना है, बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, वह सुप्रीम आत्मा है। तुम जानते हो हम पतित हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ। मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तमो प्रधान बने हो। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, इसलिए दुख देते हैं। हर चीज दुख देती है, यही तत्व जब सतो प्रधान होते हैं तब सुख देते हैं। उसका नाम ही है सुख धाम, यह है दुख धाम। सुख धाम है बेहद के बाप का वर्षा, दुख धाम है रावण का वर्षा। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे, फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प यह ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। यह कल्प कल्प की बाजी है, जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वह अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो थर्ड ग्रेड में चला जाएगा, प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेगा। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं, अपने आप को चमाट मार देंगे। बाप तो कहते हैं वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। नंबर वार तो होते हैं ना, कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं, और कोई कोई को देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पुरुषार्थ पर मदार है ना, तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो। प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे, स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं। वंडर यह है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइंड पॉइंट्स मिलती रहती हैं।
सैपलिंग लगाते रहते हैं। पहले वाले तो कई भागंती हो गए, न्यू ऐड होते जाते हैं, नई नई पॉइंट्स मिलती जाती हैं, बहुत युक्ति से समझाया जाता है। बाबा कहते हैं बहुत गुह्य गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहाँ तक मेरा पार्ट है तुमको पढ़ाता रहूँगा, यह भी ड्रामा में नूंद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी, बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम होती है ना, इस पढ़ाई में नंबर वन सब्जेक्ट है पवित्रता की। जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाप की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। रावण को बल जलाते हैं परंतु जानते नहीं है कि यह है कौन। दशहरा बहुत मनाते हैं, अभी तुमको वंडर लगता है, राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई, फिर बंदरों का लश्कर लिया, ऐसा कब हो सकता है क्या? कुछ भी समझते नहीं। तो जब प्रदर्शनी में आते हैं पहले पहले बताना चाहिए, भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब कितने मनुष्य होंगे। 5000 वर्ष की बात है, अभी कलयुग है, वही महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, विनाश भी होगा। यहाँ एक धर्म एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती है? जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए उतना ही लड़ते हैं। बाप कहते हैं अब मैं उन सबको आपस में लड़ाए माखन तुमको दे देता हूँ। बाप समझाते हैं जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंच बन सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे। मैं नहीं बनूंगा, मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ। ऐसे कोई मत समझो हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं, परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं, तो क्या यह देना हुआ? अगर समझते हैं कि हम देते हैं, यह तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते, तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो। बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं, कोड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसा कब संशय नहीं लाना कि हमने शिव बाबा को दिया। यह कितना भोलानाथ है, यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए हम बाबा को देते हैं। नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा? सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वह कोई भूखा है क्या? नहीं, समझते हैं हमारे दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म ही होगा, क्योंकि रावण राज्य है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफर करते हैं जहाँ तुमसे विकर्म होगा ही नहीं। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? हम कच्चा सर्राफ नहीं हूँ जो लेवे और काम में न आए, फिर भरकर देना पड़े। मैं पक्का सर्राफ हूँ, कह देंगे जरूरत नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है, पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा पॉइंट है कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। विस्तार, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परखकर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति।